आज बात करने वाला दयानंद सागर इंस्टीट्यूट के बारे में। ये बेंगलोर में स्थित है, तो बहुत अच्छा कैंपस कर सकते हो। और एक दूसरी बात ये है कि प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, और फी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो बजट में हो सकती है ये कॉलेज, तो आप बेंगलोर में देख रहे हो तो ये कॉलेज को भी परफेक्ट रख सकते हो या एक साथ रख सकते हो काउंसलिंग के समय, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि इसी टाइप का कॉन्टेंट लाते रहता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं दयानंद सागर कॉलेज के बारे में, तो ओवरव्यू थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये स्टेबली जो है 1979 में बना हुआ था, तो काफ़ी ओल्ड कॉलेज कह सकते हो इसको, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। अफिलेटेड की बात करें तो BTU से अफिलेटेड है। भैया ये क्या BTU? BTU वो होती है कि यूनिवर्सिटी के बात करें तो अंडर में आते हैं ये, ठीक है ना। जब आपकी डिग्री मिले उस समय आपको है ना BTU का टैग मिलती है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट छोटा सा लिखा आता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। लोकेशन की बात करें तो ये बेंगलोर में है, ठीक है ना। के बात करते हैं NB और NAC A मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। टोटल कैंपस की बात करते हैं 30 एकड़ का है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। रैंकिंग की बात करो तो मतलब 200 में से देखा जाए तो 201 मतलब 200 में से देखा जाए तो 201 मिली हुई है यार, इस बात को थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर थोड़े, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो NRIJ कभी भी जचा नहीं जाता यार कि ये कॉलेज कैसा है, नहीं है, क्योंकि ओवरव्यू वो देते हैं कॉलेज जो, ठीक है ना, NRIJ, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। कोर्स की ऑफर की बात करते हैं, बैचलर देते हैं यानी BTEC देते हैं, या कह सकते हो बैचलर पे इंजीनियरिंग देते हैं, ठीक है ना। MCA देते हैं, MBA देते हैं, MTEC देते हैं और PhD देते हैं, ठीक है ना। बहुत कम कोर्सेज देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, जहाँ पर कम कोर्स होते हैं वहाँ पर लेकर एडमिशन करो, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग बात करने वाले बैचलर के यानी BTEC के बारे में, हम लोग यहाँ पर कोर्स के बारे में बात करते हैं। नैनोटेक हो जाता है, ऑटोमोबाइल हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, केमिकल हो जाता है, सिविल हो जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाती है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रिकल और ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी। टोटल बात करते हैं 1760 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। यहाँ पर सीट भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सीट भी फिलअप कर दिया होगी, कितने सीट कितने पे है, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेना। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो कर्नाटका से हो अगर तो आपको यहाँ पर 2,29,000 रुपये 39,000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर नॉन कर्नाटका हो यानी जनरल में हो तो आपको 2,40,000 रुपये देने को मिलती है, ठीक है ना। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर का अगर टोटल बात करें तो 9,63,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। अगर कर्नाटका से हो तो थोड़ा कम लगती है, इससे भी थोड़ा कम लगती है, इस बात को ध्यान रखना यहाँ, ठीक है ना। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो कमेट कैसे UGCT, अगर कर्नाटका से हो तो KCET दे सकते हो, ठीक है ना। उसके काउंसलिंग जो होती है वो होती है कमेट कैसे ही होती है पूरा टोटल, ठीक है ना। कटअप की बात करें, यहाँ कमेट कैसे जाते हो अगर तो राउंड 4 तक होती है, तो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा पहुँच करके कितनी कितनी लगती है। जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, तो देख सकते हो कि 4,000 तक लास्ट गई है, ठीक है ना। एक अच्छी कॉलेज है, पुरानी भी है, तो इतना रखता है यार अपना, ठीक है ना, नाम तो बना ही सकता है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज की बात करें यहाँ पर, तो पैकेज में 35 लाख गई है, और मीडियम की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब ये कभी कभी ये होती है कि आप इस बात को ध्यान रखना कि ये 5, 4 से 5 ये मीडियम पैकेज होती है, कि मतलब 100 बच्चों मतलब मान लो कि 100% की है, तो उसमें से आपको 70% जो है 4 से 5 लाख रुपये देखने को मिल जाती है। और उसके बाद जो होती है 10 से 15 लाख या 15 से 20 लाख रुपये जो होती है वो आपको 10% में आ जाती है। फिर जो 10% बचती है उसमें 35 लाख रुपये में चली जाती है, वही 35 लाख आपको 5 से 7 बच्चों को ही मिलती है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो जितना आप मेहनत करोगे उतनी ही वो सारी चीज़ें होगी। जैसे कि कंपनी की बात करें तो कंपनी नंबर कितने ऑफर दिए थे, वो कितने कितने बच्चे के ले गए थे, देखो एक्सेंचर जो है 113 बच्चे को ले गए थे, ठीक है ना। एक्सक्योर का 6 ले गए थे, ठीक है ना। इन्फोसे हो गया, TCS हो गया, IBM हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, कॉन्वर्जेंट हो गया, अमेज़न हो गया, डेलॉइट हो गया, ओरेकल हो गया, टाटा मोटर हो गया, कैप्रिचन हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कंपनियाँ आती हैं यहाँ पर, तो ये प्लेसमेंट की टेंशन मत लो, ठीक है ना, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करें इसमें फैसिलिटी के, तो इसमें फैसिलिटी में लैब देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल, ठीक है ना, वाईफाई कैंपस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ देखने को ये मतलब कॉलेज में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो चूज एक तरह से कर सकते हो, ठीक है ना, इसको भी रख सकते हो अपनी लिस्ट में। तो चलो फिर बताओ क्या चीज़ छूटा आपको, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाना वहाँ पर आराम से, वहाँ पर विस्तार से अपना जो प्रॉब्लम डालना और मैं उस पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।